मैं सावंत एमए एसजेएम कॉलेज की तरफ से बच्चों मेरी कक्षा में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम नौवा पाठ देखने वाले हैं। शेर शायरी तो आप अच्छी तरह से जानते हो, उसमें से कैलाश सेंगर इन्होंने आप लोगों के लिए कुछ चुने हुए शेर प्रस्तुत किए हैं जो आप लोग हम लोगों के जीवन से बहुत ही जुड़े हुए हैं। सच्चाई है, यथार्थ है, वास्तव है आप लोगों के सामने। पहले हमेशा की तरह हम कैलाश सेंगर जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, मतलब कवि का परिचय हम आप लोगों को देने वाले हैं। कैलाश सेंगर जी का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लिखी आपकी जो रचनाएं हैं, सामान्य आदमी की जिंदगी और उसकी जो जिंदगी में घुली हुई वेदना है तथा सामान्य मनुष्य के कुछ प्रश्न है, उसकी भावना है, उसकी जो धड़कन है, उन सभी बातों को इनके शेर शायरी के माध्यम से व्यक्त हो जाती है। काव्य में किए जाने वाले मौलिक प्रयोगों तथा जो तीखापन है, इसके कारण कैलाश सेंगर आज गज़लकारों में या शेर शायरी लिखने वालों में इनका नाम बहुत ही लोकप्रिय है। गज़लों के अलावा इन्होंने गीत लिखे हुए हैं, कविता लिखी हुई, कहानी लिखे हुए, नाटक लिखे हुए हैं और आप अलग अलग विधाओं में भी साहित्य की निर्मिति करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया हुआ दिखाई देता है। हिंदी के साथ साथ मराठी भाषा में भी इनकी साहित्य की निर्मिति है और इनका मराठी भाषा पर भी प्रभुत्व है, ये दिखाई देता है। आपके लेख में जो प्रस्तुत विचार है वो आप लोगों को सोचने के लिए बाध्य करते हैं, जो कि आप लोगों के और हम लोगों के जीवन से जुड़े हुए हैं। जो वास्तव है वह आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आने वाले हैं। आपके साहित्यिक भाषा पाठकों के मन बुद्धि को थोड़ा सा झकझोर कर छोड़ देती है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं सूरज तुम्हारा है, ये गज़ल संग्रह है, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं, सुबह होने का इंतज़ार ये कहानी संग्रह है, अभी रात बाकी है ये उनका अनुवादित साहित्य है। आज आप लोगों के सामने, वैसे तो आज अब तक आप लोगों ने बहुत सारी शेर शायरी फिल्मों के माध्यम से या आज आप लोगों के सामने डिजिटल माध्यम जो मोबाइल है उस पर भी बहुत सारे सुविचार या शेर शायरी आप लोगों को सुनने के लिए मिल जाती है। बहुत सारे छात्र भी शेर शायरी लिखना या सुनना बहुत ही पसंद करते हैं। उर्दू कविता का लोकप्रिय एक प्रकार गज़ल है, जिसे तैयार करने के लिए शेरों की अहम भूमिका होती है, अहम यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गज़ल की लोकप्रियता के फलस्वरूप इसे हिंदी ने भी अपना हिंदी में भी अपना स्थान बना लिया है। गज़ल हिंदी में आते आते बहुत ही सुंदर उसकी भावभूमि से हटकर जो वास्तविकता है, ज़मीन पर खड़ी होकर अपना वास्तव, अपना अस्तित्व दिखा रही है। इन शेरों द्वारा हिंदी गज़लों ने अपने अभिव्यक्ति शैली के बल पर लोकप्रियता इन शेर शायरी ने प्राप्त कर ली है। अब चुनिंदा यानी कि चुने हुए ये जो शेर है, हमेशा की तरह हम पाठ शीर्षक के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि चुनिंदा शेर यानी कि चुने हुए शेर आप लोगों के सामने, वैसे बहुत सारे लिखे हुए हैं लेकिन कुछ चुने हुए आप लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए साहित्य आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोगों के सामने इसलिए प्रस्तुत किया जाता है कि साहित्य की परिभाषा ही ऐसी है कि सहितस्य साहित्य, मनुष्य का हित जिसमें छुपा हुआ होता है वह साहित्य, उसमें वह चाहे कथा हो, कहानी हो, कविताएं हो, रेखाचित्र हो, यात्रा वर्णन हो या शेर शायरी हो, पद हो, जो भी है गद्य साहित्य में जो प्रकार जो विधा निर्मिति होती है मनुष्य के हित के लिए होती है। इसलिए पाठ का परिचय देते समय प्रस्तुत शेर शायरी में सामाजिक अव्यवस्था
और विडंबना के विभिन्न चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किए गए हैं। थोड़ी सी विडंबना आप लोगों को दिखाई देंगी, जैसे पंछी अपने अपना दुख प्रस्तुत करते हैं, परिंदे अपना दुख प्रस्तुत करते हैं कि हे ईश्वर, तुमने मुझे जन्म तो दे दिया है, लेकिन जिसके सहारे मैं अपना जीवन गुजारना चाहता हूँ, उन फूलों में, उस धान में तुमने कीड़े भी निर्माण कर दिए, इसलिए कि तुम्हारी कैसी ये माया है ये मैं अब तक नहीं समझ पाया। ऐसी कुछ विडंबनाएं, ऐसी कुछ बातें जो सच्चाई है आप लोगों के सामने दो पंक्तियों के माध्यम से, शेरों के माध्यम से प्रस्तुत करने का, गागर में सागर भरने का प्रयत्न इन्होंने किया है। इस सामाजिक अव्यवस्था में आम आदमी की अनसुनी करा है, इन शेरों के माध्यम से कवि हम तक पहुंचाने का प्रयत्न करता है। जो उनकी विवशता यानी कि उनकी व्याकुलता है, व्याकुलता का कारण आदमी जो दुखी होता है। वैसे तो सिक्के के दो बाजू होते हैं, चट और पट, बिल्कुल इसी तरह से सुख और दुख मनुष्य के जीवन में होते हैं। जैसे जहाँ पे सुंदर फूल खिलता है वहाँ पे कांटे होते हैं, या हर जगह पे जैसे सकारात्मकता है वहाँ पे नकारात्मकता भी साथ में होती है, बिल्कुल इसी तरह से मनुष्य के जीवन में जैसे दुख है वैसे सुख भी होता है। एक के बाद दूसरा और दूसरा के बाद दूसरे के बाद पहला, यह आ ही जाता है। अपनी पीड़ा अभिव्यक्त करने में स्वयं को असमर्थ पाता है। ये शेर उन्हीं विवशताओं को व्यक्त कराने का एक ऐसा माध्यम बन गई है। मनुष्य की इस विवशता को और उसे समाप्त करने के प्रयत्नों को कवि ने यहाँ अपनी तरफ से एक वाणी देने का, एक प्रस्तुत करने का प्रयत्न जितना हो सकता है उन्होंने किया है। हमेशा की तरह एक एक दो दो पंक्तियां हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसका स्पष्टीकरण भी दे देंगे। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। इस तरह से शेर प्रस्तुत करते समय इसी तरीके से, इसी लहजे से किया जाता है हर बात। यानी कि कविता पढ़ते समय उसमें गेयता होती है, उसे गाने की आवश्यकता होती है। गजल प्रस्तुत करते समय गजल कैसे किसी धीमी आवाज़ में प्रस्तुत की जाती है, वैसे शेर प्रस्तुत करते समय उसे प्रस्तुत करने का भी एक तरीका होता है। जैसे कहानी पढ़ते समय वह किसी सरल प्रवाहपूर्ण बोली जाती है, वैसे एकांकी या जबकि नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करते समय, संवाद प्रेक्षकों के सामने प्रस्तुत करते समय उसका भी लहजा अलग होता है। इसलिए यह ध्यान में रखते हुए कि अपना अपना एक अपनी अपनी विधा की अपनी अपनी एक शैली है, उस शैली को ध्यान में रखते हुए वो समाज के सामने आप लोगों को भी वो याद होना चाहिए कि गजलों जो शेर शायरी प्रस्तुत करते समय उसे किस लहजे में प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे मैंने अभी दो पंक्तियां आप लोगों के सामने प्रस्तुत की है। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। चट्टानों पर फूल खिलाने का मतलब क्या है कि कैसा भी कठिन प्रसंग होता है तो उसमें से भी हमें हम अपने जीवन में राह निकालते हैं। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे गजलों से खुशबू निकली, यहाँ कैलाश सेंगर जी आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में, जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक इस जीवन की राह पर चलते समय खुशबू बिखराना हमको आता है। जबकि हम अपना जीवन कितनी सुंदर गति से जीवन जीते हैं, सुंदर तरीके से हम दूसरों को अपने जीवन में सुख देते हैं, अच्छाइयाँ बांटते रहते हैं, उसे खुशबू कहते हैं। कि हम अपने तरीके से दूसरों के सामने, हम अपना जीवन जीते समय दूसरों को भी खुश आनंदित बनाते हुए चले जाते हैं। उसी तरह से चाहे मनुष्य कितना भी दुखी कैसा भी क्यों ना हो, यहाँ यह बताना चाहते हैं कि वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकता है। अर्थात जो असंभव कार्य है, कठिन कार्य है, उस कठिन कार्य को संभव कर देने की ताकत हर मनुष्य में होती है। ये हुई पहले दो शेर शायरी का मतलब। गजलों से खुशबू बिखराना हमको आता है मतलब क्या है कि मनुष्य कठिन बातों में भी अपना सीधा साधा मार्ग प्राप्त कर सकता है, उसके लिए कष्ट उठाने की आवश्यकता है। दूसरी बातें हैं, दूसरे दो पंक्तियां हैं। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक,
तेरे दानों में भी शायद लगा है धुन मेरे मालिक। परिंदों को शिकायत है कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है धुन मेरे मालिक। थोड़ा सा परिंदा यानी कि पंछी पक्षी, और दूसरा कठिन शब्द है कि धुन, धुन यानी कि कीड़ा, जो कि उस अनाज को उस फूल को नोच लेते हैं, खा लेते हैं, जिस पर दूसरों का जीवन अवलंबित होता है। कि जब हे मालिक, मालिकिनी ईश्वर, हे भगवान, तुझे तूने मेरा तो जन मुझे जीवन तो दे दिया, लेकिन मेरा जीवन देते समय मैं जिस पर अवलंबित हूँ, जो मैं खाकर अपना जीवन गुजार सकता हूँ, जबकि तुमने जैसे मुझे बनाया, मुझे बनाते बनाते समय कीड़ों का भी निर्माण किया कि मैं धान खाकर, मैं फूल खाकर जिस पर मेरा जीवन यापन चलता है, वो जिस पर मैं जिंदा रह सकता हूँ, रह जाता हूँ, उसे भी तुमने कीड़ों के माध्यम से वहाँ पर भेजकर, जबकि मेरा जीना तुमने हराम कर दिया है। जैसे यदि मालिक कभी तो हमारी बात भी सुनो, यहाँ सेमर जी ने कि हम लोगों की भी भगवान से गुजारिश है, प्रार्थना है कि हे दाता, तुमने धान तो बना दिया, कृपा दृष्टि हम पर की, लेकिन उसमें कीड़े लगे हैं, जो जिन कीड़ों ने यह हमारा अनाज जो कि खोखला बना दिया है, कि अब हम जिंदा कैसे रहे। ये दूसरे दो पंक्तियों का मतलब आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। जिंदगी देखिए, उसमें उदासी है, हताशा है, खुशियां है, सारे सारे पल उसमें हम गुजार जाते हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में अनेक सारे अनुभूतियां, अनेक सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और यह सामना करते समय जबकि दिन रात होते रहते हैं, सुख दुख होता रहता है, आता रहता है, सारी परेशानी इस प्रकार हम लोगों के जीवन में आ जाती है, लेकिन उन परेशानियों को, उन समस्याओं का निपटना हम लोगों के ही हाथ में होता है, कोई हमारा दुख दूर करने के लिए नहीं आता है। इसलिए हम जिंदगी के चंद सवालों को खो गए, जो मनुष्य को विस्मरण है। आज हम अपना जीवन जी रहे हैं, समय किसी के लिए रुकता नहीं है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। कल कुछ अच्छी घटनाएं, कल बुरी घटनाएं घटित हो गई, लेकिन मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सभी बातों को याद नहीं रखते हैं। कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ घटनाएं जैसे विस्मृत हो जाती है, इसलिए तो मनुष्य जिंदा रहता है। इसलिए कुछ अच्छी बातों को, कुछ बुरी बातों को भी हम अपने पल्ले बांधकर आगे बढ़ रहे हैं कि वह हमारे लिए अनुभव है, और कुछ बातों को हम कुछ घटित हुई नहीं ऐसे मन में धर कर हम आगे बढ़ रहे हैं, ये भी एक जीवन जीने की कला है, ये भी एक जीवन जीने का तरीका है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह संवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। रात के बाद सुबह, यानी कि मनुष्य इस रात को कभी कभी प्रतीकात्मक रूप में कवि कहते हैं। जैसे प्रेरणा नाम की कविता हमने देखी, उस कविता में कहा है, क्या कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन में जबकि अंधकार यानी कि संकट है, वैसे तो अंधकार यानी कि शाम होना, यह हम लोगों के लिए जो दिन भर हमने जो थके हैं अपने जीवन में परिश्रम करके, रात है जो कि मनुष्य को थकान से दूर कर देती है, और फिर नए उजाले के साथ, उमंग के साथ हम अपना जीवन नए सिरे से गुजारना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी इस अंधेरे को, इस अंधकार को उदासीनता का नाम दिया गया है, समस्या का नाम दिया है, घनघोर अंधेरा छाया हुआ है हमारे जीवन में, इस तरह से कहा जाता है। लेकिन देखिए, घनघोर अंधेरा मतलब ये वलय हम लोगों के आसपास, इस अंधेरे को जबकि नकारात्मक रूप से न लेकर, चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है। कवि कहते हैं कि सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेकर आती है, रात्रि के घोर अंधकार को दूर करके हम जो नए प्रकाश की, नए आशा की, सकारात्मकता की, जैसे नई उमंग के साथ हम अपना जीवन गुजारना चाहते हैं। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, वह आसमां
फिर रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था कि वह इनकलाब लिखता था। इनकलाब यानी कि क्रांति, आसमान यानी कि आसमान। जैसे कि मनुष्य अपने जीवन में आशावादी होता है, रोज नए सपने देखता है, सारे सपने वह पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन नए विचार लेकर वह अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। वह आसमां पे रोज एक नया ख्वाब लिखता है, ख्वाब यानी कि सपना, कि मैं अपने जीवन में, जैसे मनुष्य को कल या थोड़ी देर बाद समय के बारे में, आगे आने वाले समय के बारे में हमें पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी मनुष्य अपना जीवन जीना नहीं छोड़ देता है, अपने सारे सपने पूरा नहीं कर पाता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो वो ताकत जुटाता है अपने पैरों में, अपने मन में जो दृढ़ता लेकर आगे बढ़ने की ताकत, चरैवती चरैवती यानी कि चलते रहना है, चलते रहना है, चाहे उसके जीवन में कुछ भी उथल पुथल हो जाए, लेकिन वह आगे बढ़ने की बढ़ना चाहता है और नई क्रांति निर्माण करना चाहता है। जैसे कि यहाँ बात बताई है कि मनुष्य को अपने जीवन में, अपने विचारों में क्रांति लानी है। क्रांति का बीज हमें बोना है, उसके द्वारा आसमान पर लिखे हुए नए सपनों को फिर से बुनना है और आगे अपना जीवन बिताना है। आगे चलकर बताए, देखिए, हंसी में अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगाकर देखो। आप ऐसा सोचते होंगे कि बहुत बार ये सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है, जो व्यक्ति बहुत बार अपने चेहरे पे हंसी लेकर घूमता है, ये नहीं सोचना है कि उसके जैसा उसकी तरह की सुखी प्राणी इस जीवन में नहीं है। आपने कभी उसके भीतर झांककर देखा है कि नहीं? मालूम नहीं है कि उस हंसी के पीछे न जाने उसके उसका दुख इतना छुपा हुआ होता है, जो कि कभी वह किसी से किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करता है। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा कर देखो। ये जो हंसी से आंसू, हंसी के भी जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब भी हमारी आँखों से आंसू बहते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तब भी हमारी आँखों से आंसू बहते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क होता है। खुशी के आंसू जो होते हैं वो कभी आँखों से ढलते नहीं है, लेकिन जो दुख के आंसू होते हैं, जबकि उसके लिए अपने आप राह मिल जाती है। तो यहाँ यही बात बताइए कि हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं, जैसे सुख और दुख दोनों जीवन के पहलू है, उसके बिना उसका जीवन परिपूर्ण नहीं होता है। सुख और दुख मनुष्य को अपना जीवन जीना सिखा देती है, परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियां जो है उस विसंगतियों को इस कदर वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः अच्छा यही रहेगा कि अपने चेहरे पर एक ऐसा मुखौटा लगाए और अपने आंसुओं को हंसी से छिपा लिया जाए। ये बात दूसरे शेर शायरी के भीतर प्रतीत हो जाती है। वो फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख इसे इत्र बांटने का हुनर देता है। वो फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है। अब यहाँ बात बताइए कि देखो, मनुष्य यानी कि हमारा भारतवर्ष जो है त्याग की बुनियाद पर छुपा हुआ है। हमेशा हम जो पेड़ के, हमने पेड़ होने का अर्थ, ये कविता भी आप लोगों को पढ़ाई, पेड़ के पास कितने सारे भाव है, जो कि वहाँ पे उस कविता के माध्यम से इतनी सारी बातें हम लोगों ने सीखी कि पेड़ अपने लिए कुछ भी नहीं लेता है। जैसे त्यागी, त्याग की भावना उस कविता के माध्यम से हम लोगों को सीखने के लिए कहा गया है। कवि त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कवि कहते हैं कि ईश्वर जो है फकीरों को, साधुओं को और समाज की भलाई की इच्छा पूर्ण करने के लिए तथा ऐसी शक्ति प्रदान करने के लिए दे देता है, निर्माण करता है। उसके मुख से निकले हुए जो आशीर्वाद है वो आशीर्वाद समाज की भलाई के लिए होते हैं, इसलिए उसे इत्र कहा है। ये साधु संत जो उनकी वाणी होती है वो वाणी समाज की शुद्धता के लिए होती है। विचारों में प्रगल्भता या संतों की वाणी कभी हम झुठला नहीं सकते हैं। संतों के विचार समाज के हित के लिए होते हैं, इसलिए वो फकीरों की दुआओं में असर देता है। फकीर, साधु, संत, सज्जन लोग, जो आज हम APJ अब्दुल कलाम को भी, उनके भी विचार बहुत ही अच्छे हैं, जो सिर्फ साधु संत यानी कि जो जिन्होंने भगवान का नाम लेकर संत बने हैं वे संत नहीं है, जिनके पास त्याग की भावना है,
जो स्वार्थ जिनमें बिल्कुल छुपा नहीं है, ऐसे लोग जिन्हें हम कर्मवीर भौरव पाटिल भी ऐसे ही महासंतों में, महामानवों में उनका नाम लिया जाएगा, संत गाड़गे बाबा महाराज, ऐसे उनके विचार है कि हमेशा उन्होंने अपने लिए बिल्कुल भी किसी तरह की चाहत नहीं रखी है। आँख से इत्र बांटने का हुनर देता है, इनकी वाणी इनके विचार ऐसे होते हैं कि हमेशा समाज के हित के लिए होते हैं। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देख देखभाल तो लेते, इसको माँ कह देते पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते। अब देखिए नदी का महत्व, आप मेरे बच्चों, आप लोगों को बचपन से ये सिखाया गया है कि मनुष्य के लिए पानी इतना महत्वपूर्ण है, जीवन देता है। और जहाँ 12 मासा बहने वाली ये जो नदी है, उस पुल से गुजरते हैं तो उस वहाँ से प्रणाम कर, बिना प्रणाम किए हम वहाँ से गुजरते ही नहीं है। कुछ लोग तो आप लोग अंधविश्वासी कहेंगे, जो कि सिक्का 1 रुपये का 2 रुपये का सिक्का उस पानी में, जबकि उस पुल से गुजरते समय डालते हैं, लेकिन वह नदी की महिमा, वह नदी का महत्व आप क्या जानो, जो आपकी गंदगी को अपने पेट में समा लेती है और आप लोगों की प्यास बुझा देती है, वह हमेशा जीवनदायिनी होती है। इसमें लाशें भी मिला करती है, तुम जरा देखभाल तो लेते। थोड़ा सा आप जो करते करने जा रहे हैं, मतलब देखिए कि सेंगर जी ने आप लोगों को इस शेर के माध्यम से और एक बात बताई है कि पर्यावरण के बारे में मनुष्य को जागरूक रहना चाहिए। इसमें लाशें भी मिला करती है, वाराणसी जाकर, काशी वाराणसी वहाँ जाकर देखोगे तो मनुष्य को ऐसा लगता है कि ये चारों धाम करने के बाद मनुष्य चाहे कि जैसे सो चूहे खा के बिल्ली चली नहाने, मतलब हज को कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में इतना सारा पाप करता है और उस पाप को धोने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगाने के लिए जाता है। कुछ लोग तो चाहते हैं कि उसी घाट पर अगर मृत्यु हो जाती है तो उसे स्वर्ग मिल जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग वहाँ पे चले जाते हैं उस नदी के किनारे, जबकि लाशें जलाई जाती है, लोग वहाँ पे अपनी मौत को बहुत ही अच्छा मानते हैं, इसलिए लोग अपने जीवन के अंतिम समय वहाँ पे कुछ गुजार देना चाहते हैं। तुम जरा देखभाल तो कर लो उस नदी की, इसको माँ कह के पूजने वालों, इस नदी को खंगाल तो लेते, थोड़ा सा इस नदी को साफ कर देते, जहाँ पे आप लोग रासायनिक पानी जो कि गंदा पानी उसमें वो गंदा कर देना, जो कि नदी का महत्व आप अच्छी तरह से जानते हो। देखो छात्रों, आज ये चुनिंदा शेर केला सेंगर जी ने जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, ये यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। धन्यवाद। आप घर बैठे बैठे उसका अध्ययन कीजिए तथा जो स्वाध्याय है उस स्वाध्याय की तरफ भी बारीकी से ध्यान दीजिए।